अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। टुडे डेट इज़ 16 दिसंबर 2020 एंड डे इज़ वेनसडे। टुडे आवर टॉपिक इज़ अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। टुडे वी डू इट्स रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 224। ठीक है। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दैट एट दिस टाइम and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, यानी कि वो उस एंगल से वहाँ पर पहुँच रहे थे 45 के एंगल से, जहाँ अगर वो थोड़ी सी चेयर को आगे कर लेते तो वो पहुँच सकते थे। द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन द पियानो, रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बींग प्रोड्यूस्ड बाई द सडननेस विद विच हीज हेड एंड बॉडी स्टक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। यानी कि वो पियानो के ऊपर गिरते हैं और एंड आंट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। एट लास्ट अंकल पॉजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes. Aunt Maria would mildly observe that next time that Uncle Roger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. तो वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रही होती हैं कभी, और वो नहीं पसंद करती कि इस तरह बच्चे खड़े होकर उल्टी सीधी जुबान सुने और बातें सुने। वो सारा कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करना होगा ना तो मैं अपने मदर की तरफ चली जाऊँगी, फिर आप जो मर्ज़ी पीछे से करते रहना, क्योंकि इतना फर्स क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, हर चीज़ जो थी वो एक पिक्चर लगाने के लिए उन्होंने एक बोल तो दीवार भी सारी ख़राब कर दी थी, उसके बाद अपने आप को भी चोट लगवा ली थी, कभी हैमर गिरती थी कभी नेल गिरते थे, तो ये सारी चीज़ सिचुएशन देख के उसको उनकी जो मिसेस होती है मारिया वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है अगर इस तरह ही करना नेक्स्ट टाइम किया तो मैं चली जाऊँगी अपनी मदर की तरफ, तो फिर बाद में जो मर्ज़ी करते रहना। तो पूरा वो जो रूम होता है लिविंग रूम उनका, वो हर चीज़ उनकी बिखर जाती है और कहीं कील के पड़े होते हैं, हैमर ज़मीन पर गिर जाती है, बच्चे कभी नेल लेने जा रहे हैं कभी वो हैमर पकड़ा रहे और कभी वो जो है इंची टेप वगैरह वो ला के दे रहे हैं उनको ताकि वो सही तरीके से, और चेयर को वो 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होके तो नेल को लगा रहे थे। ठीक है जी। ओ यू वूमेन, यू मे सच अ फस ओवर एवरीथिंग, Uncle Roger would reply, picking himself up. Why would I like doing a little job of this sort? वो कहते हैं जब अपने, वो कहते हैं वो तुम जो हो ना हर वक्त फस ही क्रिएट करती रहती हो, मैं क्यों इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करूँगा और ये मेरा काम थोड़ी है। And then he would have another try, and at the second blow, the nail would go clean through the plaster. अब वो दोबारा वो कील ठोकने की कोशिश करते हैं तो वो प्लास्टर भी जो होता है वहाँ से उखड़ जाता है दीवार से। एंड अंकल पॉजर बी प्रेसिपिटेटेड अगेन द वॉल विद फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज। फिर वो काफ़ी जोर से फिर दोबारा उसको करते हैं। देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन। फिर वो रूल और वो स्ट्रिंग दोबारा, वो कहते हैं हमें चाहिए। एंड न्यू होल वॉज मेड, और नया होल जो है वो फिर दोबारा बनाया जाता है। वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड, लुकिंग एज इफ इट हैड बीन स्मूथ डाउन विद द रैक।
और वो बहुत ही बुरा असर हो जाता है उस वॉल का जो उन्होंने वहाँ पे कील ठोक ठोक के किया होता है। इफ विद अ रैक एंड एवरी बॉडी डेड बीट एंड रेस्ट एक्सेप्ट अंकल पोजर, सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो परेशान और नाराज़ होते हैं। देयर यू आर ही वुड से स्टेपिंग ऑफ द चेयर ऑन द चार वुमेन्स कॉर्नर कॉन्स एंड सर्विंग द मेस ही हैड मेड विद एविडेंट प्राइड। वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन इन टू डू अ लिटल थिंग लाइक दैट। तो वो जो होती हैं चेयर से उतरते हैं और वो जो वुमेन होती है वो सफाई के लिए जो रखी होती है वो सर्वे करती है, वो जितना जो मेस होता है वो उसे ही साफ करना होता है। और यहाँ पे अंकल पोजर फिर वो जो पिक्चर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं कि देखें कितनी अच्छी, और पूरी वॉल जो है यू कैन सी इन द पिक्चर कि पूरी वॉल जो है वो ख़राब हो चुकी है और वो इस पूरा दिन लगा के उन्होंने एक पिक्चर लगाई है लेकिन वो भी गंद अब बुरी लग रही है वॉल पे लगी हुई है क्योंकि सारी दीवार जो है उसका प्लास्टर वगैरह सारा उखड़ चुका है। अबाउट द ऑथर है जेरम क्लापेक वॉज एन इंग्लिश ऑथर बेस्ट नोन फॉर हिज ह्यूमरस बुक, ह्यूमरस यानी मजाइया कहानियाँ वगैरह लिखता था। थ्री मैन इन अ बोट पब्लिश्ड इन 1889 द बुक बिकेम एन इंस्टेंट हिट एंड हैज़ रिमेन्ड इन प्रिंट सिंस। ही रोट सेवरल अदर नॉवल्स प्लेज एंड एसेज आफ्टर दिस बट नन ऑफ दीज प्रूव टू बी एज पॉपुलर एज द फर्स्ट वर्क। द बुक डिस्क्राइब द जर्नी दैट ही एंड टू फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डू वी फर्स्ट लर्न दैट अंकल पोजर डज नॉट डू थिंग्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। वी लर्न दैट वेन ही सेंड आउट द सर्वेंट गर्ल टू गेट नेल्स एंड देन सेंड अ बॉय आफ्टर हर टू टेल हर वॉट साइज टू गेट। वॉट आर द टू थिंग्स दैट द गर्ल हैज़ टू डू? द गर्ल हैज़ टू गेट नेल्स एंड देन गो आउट अगेन एंड गेट सम पिक्चर कॉर्ड। नंबर थ्री, हाउ डज अंकल पॉजर लूज हिज कोट एंड देन फाइंड इट अगेन? अंकल पॉजर इज हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द कोट वाइल एवरी वन इज लुकिंग फॉर इट। ही फाइंड इट वैन ही मेंटेन हिज अपराइट पोजिशन। अंकल पॉजर डज नॉट गिव मच क्रेडिट टू हिज हेल्पर्स, गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो दिस। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज कोट एंड रिक्वायर्स एवरी बॉडी to look for it and then find out that he himself was sitting on it. He does not make an apology for his mistake. On the second instance, he drops the nail while everyone is looking for it. He shouts instead of confessing his mistake. Which statement tells us that the narrator does not think much of Uncle Podger's intelligence? When the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point there 3 inches beyond, tell us that the narrator does not think much of Uncle Podger's intelligence. Number six, how does it take Uncle Podger to hang the picture? How long does Aunt Podger think it will take him to hang it up? It took Uncle Podger the whole evening and half the night to hang the picture. Aunt Podger thought that he would take a full week to do that. ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन एंड ऑल्सो एम सी क्यूज। फर्स्ट 1 to 8 हमने पहले किए हैं, अब बकाया जो है रहते 5 वो आपने इसके साथ लर्न करने हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके जी। अंकल पोजर का एक तो क्वेश्चन था उसमें कि किस तरह पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उनकी जो बिहेवियर था जो उनका हैंग करने का तरीका था उससे पता चलता है। और वो अपने जो उनके हेल्पर थे उनको भी कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे, उनको भी डांट रहे थे और बोल रहे थे, और जो उनका स्टाइल था तो वो उनकी मिसेस भी वही कहती हैं कि फुल वीक लग गया उनको, पिक्चर ऐसा लग रहा है जब फुल वीक लग जाएगा उनको पिक्चर हैंग करते हुए। ठीक है,
When the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond, tell us that the narrator does not think much of Uncle Podger's intelligence. कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी उसको जो उसने एक्सप्लेन किया. ओके, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू लर्न एम सी क्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स. ऑल एम सी क्यूज यू विल लर्न एंड ऑल क्वेश्चन आंसर्स यू विल लर्न. ऑल राइट, ठीक है जी. ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.